बिहार दरोगा और बिहार एसएससी में एक नंबर पक्का। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में 216 गठन 217 नियुक्ति तथा अर्हताएँ 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना 219 शपथ 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध 221 वेतन भत्ते 221 वेतन 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 224A उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 224A उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 225 क्षेत्राधिकार और 230 भी क्षेत्राधिकार है 225 और 230 क्षेत्राधिकार 226 कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति 226 कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति 226A 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना और यह अनुच्छेद अब खत्म है निरस्त हो गया है 226A अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना अब यह अनुच्छेद खत्म है यानी निरस्त हो गया 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण 228A राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान यह भी अनुच्छेद अब खत्म है 228A राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान यह भी अब खत्म है 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय 230 क्षेत्राधिकार था 225 भी क्षेत्राधिकार 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना और एक लास्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है।